अभी देखना आपको है कि आप एक दिन में तैयार होकर रिक्शा बनना चाहेंगे या फिर कई वर्ष तैयारी कर हवाई जहाज बनना पसंद करेंगे ताकि लोग आपका इंतजार करें। नमस्कार, अपनी बोली अपना चैनल सुरेश फौजी में आपका स्वागत है। आज मैं बात करूंगा युवाओं की कि मेरे देश का युवा आज भ्रमित है और वो कहीं ना कहीं अपने आप को असहज महसूस करता है और वो सफलता की बजाय असफलता की ओर बढ़ता जा रहा है। आजादी से लेकर अभी तक कहीं ना कहीं इसके जिम्मेवार हमारे देश की सरकार भी रही है, जो कि आज तक अपने देश में रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी मूलभूत सुविधाओं को मुहैया नहीं करवा सकी है। आज मेरे देश का युवा इसी वजह से विदेशों की तरफ पलायन करता हुआ जा रहा है। अपने देश के युवाओं से मेरा एक आज सवाल भी है। आप सभी ने देखा होगा कि रिक्शा चालक को सीटी बजाकर इशारा कर बुलाया जाता है और वो उसके पास पहुंच जाता है और कहीं ना कहीं जब वो 50 रुपए की मांग करता है आपको गंतव्य स्थान तक लेकर जाने के लिए, तो उसको 20 या 30 रुपए में आप उसका मोल भाव कर उसको मना लेते हैं। इसके पीछे कारण है बेरोजगारी और उसके घर में बैठे हुए बच्चे और उनका पेट। क्या आपने कभी देखा है किसी हवाई जहाज को सीटी बजाकर इशारे के साथ बुलाया गया हो? नहीं, बल्कि 2 घंटे पहले पैसेंजर को वहां जाकर इंतजार करना पड़ता है। इसके पीछे कारण क्या है? इसका कारण है समय। रिक्शा एक दिन में तैयार हो जाता है, वहीं पर जहाज को तैयार करने में वर्षों बीत जाते हैं। मेरा युवाओं से निवेदन कि अगर आज आपको तैयार होने में समय लगता है तो पीछे ना हटें और ना घबराएं, क्योंकि अगर आज आप सही तैयार होकर आगे बढ़ते हैं तो वो दिन दूर नहीं कि जब लोग आपका 2 घंटे पहले इंतजार करेंगे। अपने टारगेट को पूरा करने के लिए अच्छा समय लगाएं और बेहतर तरीके से अपनी कामयाबी हासिल करने के लिए तैयार हों। अभी देखना आपको है कि आप एक दिन में तैयार होकर रिक्शा बनना चाहेंगे या फिर कई वर्ष तैयारी कर हवाई जहाज बनना पसंद करेंगे ताकि लोग आपका इंतजार करें। आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताएं। मिलते हैं जल्द ही किसी दूसरी वीडियो के साथ। मेरे YouTube चैनल सुरेश फौजी को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर जरूर करें और मेरे YouTube चैनल सुरेश फौजी को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।